हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कश्मीरी दम आलू की रेसिपी। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं ये आलू। यहाँ पे आपको छोटे छोटे आलू लेने हैं और इसको हम एक सीटी लगा के बॉईल कर लेंगे। बस एक ही सीटी लगाइएगा और उसके बाद इसके जो छिकल हैं उसको हम पील कर लेंगे, इनको पील कर लेंगे। और अगर आप बड़ा आलू यूज़ कर रहे हैं तो उसको बीच से कट करके आप बना सकते हैं, पर मैं बोलूँगी कि आप छोटा आलू ही यूज़ करें। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फोक लेके इस पर हम प्रिक करेंगे, ऐसे हल्के हल्के से फोक की हेल्प से सारे आलूओं में। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है और उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ करा है। इसमें अब हम जो आलू है उसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहो अगर तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो हम इसको आलू डाल के आप इसे थोड़ी देर तक, 1-2 मिनट तक पहले एक साइड से कुक होने दें और फिर इसे अच्छे से हिलाएं, मिक्स कर लें अच्छे से। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी हल्के हल्के से कुक होने लगे हैं, तो हमको इसको बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं सेम एग्जैक्टली ऐसे ही आपको करना है। देन उसके बाद इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पर निकालने के बाद हमें जो मसाला है इसका, जो ग्रेवी होगी, वो हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग जार में सौंफ ली हुई है, फेनल सीड्स 1 चम्मच। इसके साथ मैंने धनिया लिया हुआ है, इसे हल्का सा मैंने रोस्ट करा हुआ है, ये 1.5 स्पून है। और एक जिंजर, मैंने अदरक लिया हुआ है। साथ ही मैंने 3-4 कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो ली हुई है, इसे मैंने भिगो दिया है। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बनाना है। आप चाहे तो ड्राई, जो अगर आपके पास इसके ड्राई पाउडर हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको आप अब हम दही के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप दही लिया हुआ है और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। फेंटना इसलिए ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। साथ ही यहाँ पे जो मसाला मैंने तैयार करा था, अब हम इस दही में इसको डाल देंगे। और सारा मसाला दही में डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे हंकर्ड यूज़ करेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो और भी अच्छा आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैंने पैन में दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें खड़े मसाले, जीरा और ब्लैक पेपर, लौंग, ये सब हम हल्का सा सौते कर लेंगे। देन उसके बाद जो अभी मैंने दही का और मसाले का मिक्सचर बनाया था इसमें डाल लेंगे और इसे एक बॉईल अच्छा सा आने तक कुक करेंगे। एक अच्छा सा बॉईल आने के बाद इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ऐसे बॉईल जब अच्छे से होने लग जाए, फिर हम इसमें जो फ्राइड आलू थे उसको हम ऐड कर देंगे। अब ये जो आलू है इसको हमें ग्रेवी में ऐड करने के बाद इसे 4-5 मिनट्स इसको कुक करना है। और जो सिम है गैस की, वो बिल्कुल सिम होनी चाहिए गैस, और बिल्कुल हल्की आंच पे गैस की हमें इसे कुक करना है 4-5 मिनट तक, ताकि जो मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से आलू के अंदर चले जाए और अच्छे फ्लेवर दें। तो 4-5 मिनट बाद आप देख सकते हैं मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप बाद में ऐड करें, क्योंकि अगर सॉल्ट पहले ऐड करेंगे तो दही जो है वो थोड़ी फट जाती है। इसलिए सॉल्ट दही में एक बॉईल आने के बाद और या अच्छे से कुक होने के बाद ही ऐड करें। तो इसे अब हम दोबारा से 2-4 मिनट तक पकाएंगे और 3-4 मिनट के बाद पकने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है वो काफ़ी अब लिक्विड ही नहीं रही है, काफ़ी हद तक सूख गई है और ऑयल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बाहर आने लग गया है। इस टाइम पर मैं यहाँ पर काजू का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 3-4 चम्मच। इससे जो है जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीमी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसे मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट तक
इसको भी हम ऐसे ही ढक के कुक कर लेंगे। सो गाइस, 1 से 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं जो हमारे कश्मीरी दम आलू है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और आप ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी हो गया है, और आलू में भी बिल्कुल अच्छे से मसाले बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो ये हमारा दम आलू बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद करके इसमें हरा धनिया यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है। इसको डालने के बाद हम बिल्कुल इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे, और आप देख सकते हैं जो कश्मीरी दम आलू है वो बिल्कुल रेडी है। सो गाइस, ये थी मेरी कश्मीरी दम आलू की रेसिपी, जो बहुत ही इजी तो है पर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। होप आपको ये अच्छी लगी हो, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेक श्योर कि आप लाइक करें और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट टाइम मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको कोई और नई रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।